या जिसका स्टाफ आपको बोलता है कि भाई हमने पिछले जन्म में अच्छे ही कर्म किए होंगे जिसके साथ इतने इतने सालों से, कि भाई मानवता भी ऐसी होती है, आप भी बचाइए। अगर किसी को अत्याचार को रोक नहीं पा रहे हैं तो उसको बचाइए, चिल्लाइए, अन्याय को रोकिए, बलात्कार को रोकिए, हत्याओं को रोकिए, फिर आप इस नए भारत को विश्व गुरु बनाने में बड़ी जल्दी मदद करेंगे। इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी को देखनी चाहिए कि भाई हमारे इंजीनियर्स इस तरह से अपना पूरा मेहनत लगा के लोगों की जान बचाई जो अवेलेबल था उसमें, वो भी 89 के टाइम। नमस्कार, माय नेम इज पवन मल्होत्रा। हाय, आई एम जमील खान। हाय, मैं हूं रवि किशन और आप मुझे देख रहे हैं कोई मूवी पर, उमेश पुनवानी के साथ। आनंद लेते रहिए। हेलो, मेरा नाम है उमेश पुनवानी और आज जो धुरंधर कलाकार तीन हमारे साथ हमारे बीच में है, इन्होंने सालों से ना सिर्फ हमें हंसाया है बल्कि हमें रुलाया है, आश्चर्यचकित किया है हर परफॉर्मेंस के साथ, चाहे वो रवि किशन का जिंदगी झंडवा हो या पवन मल्होत्रा का सलीम लंगड़ा पे ना रोना, या हमारे जमील खान हमारे गुल्लक के प्यारे संतोष मिश्रा जी और असगर खान से संतोष मिश्रा। सो आप तीनों का सर कोई मोई पर स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू कोई मोई। सो पहले तो सब ये बताओ कि फटाफट आपके रीजंस क्या थे मिशन रानीगंज करने के, बिकॉज आई एम श्योर जसविंदर गिल की स्टोरी है वो तो एक कॉमन रीजन रहा होगा, बट एक होता है कि ये कैरेक्टर में है तो मुझे करना है, एक वो हर एक एक्टर अनसंग हीरो मैं नहीं। पहली बात तो मुझे दुख इस बात का हुआ और अपने आप पर चिढ़ भी आई कि मैं उनके बारे में जानता ही नहीं, ना मुझे जानकारी मिली। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है, 57 लोगों को एक व्यक्ति एक सरदार जी बचाते हैं 89 में, कोई सुविधा नहीं है, देसी जुगाड़ से 350 फीट में एक लोहे की लिफ्ट एक पतली कैप्सूल जैसी जाती है बुलेट की तरह छेद करते हुए नीचे, और उन लोगों को बाकायदा जिंदा बचा के उस जमाने में जहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया जाता था, जहाँ पर किसी को तवज्जो नहीं थी, 500,000 रुपये में 800 रुपये में तनख्वाह पे काम करते थे और रोज मौत के मुंह में जाते थे, और हर 2 साल में एक खदान में दबने की माइंस के एक्सीडेंट की खबर अखबारों में हेडलाइन आती थी जितना याद है, उसमें बचा लेना, उनके बारे में नहीं मालूम। और इस तरह से वासु भगनानी जी की इस पर हिम्मत करना एक बड़ा लेवल, अक्षय कुमार, ये सेटअप, पवन भाई, जमील, कुमुद भाई, ये सारे धुरंधर खतरनाक एक्टर, लंदन में झारखंड बनेगा, माइंस बनेगा, वो एक्साइटमेंट कि कैसे एक बड़ा जहाज पानी का शिपमेंट जाता है पुरानी गाड़ियों को लेके, वो सारी चीजें अनगिनत रीजन थे ये फिल्म करने की कि इसका हिस्सा बनना है, क्योंकि गर्व करेंगे हम, जैसे मेरी 1970 फिल्म थी मनोज बाजपेयी की वॉर की, कुछ फिल्में हैं जिसको देख के मैं महसूस, तेरे नाम फिल्म थी, कि ऐसी कुछ कल्ट फिल्में मेरी लाइफ की, श्याम बेनेगल की फिल्म रही या मणिरत्नम की रावण रही या मुक्काबाज रही, तो उसमें ये फिल्म को भी जुड़ना है। और ऐसे हीरो के बारे में जो मानवता की सबसे बड़ी निशानी, एक उस वक्त का भगवान, जीवित भगवान, उनके लिए मैं करना है, जो आज सीखना है मैसेज कि भाई मानवता भी ऐसी होती है, आप भी बचाइए। अगर किसी को अत्याचार को रोक नहीं पा रहे हैं तो उसको बचाइए, चिल्लाइए, अन्याय को रोकिए, बलात्कार को रोकिए, हत्याओं को रोकिए, फिर आप इस नए भारत को विश्व गुरु बनाने में बड़ी जल्दी मदद करेंगे। एक अच्छी कहानी, एक अच्छा किरदार, तुरंत आप आंसर पे आ गए, आपने वेट भी नहीं किया। छोटे में खत्म करो बात को, कि एक अच्छी कहानी, अच्छा किरदार, अच्छी टीम और एक अच्छे मकसद के लिए बनी हुई फिल्म मिशन रानीगंज ना करने की कोई वजह ही नहीं। क्या वाह, पवन सर, मैं तो उस डायरेक्टर के साथ रुस्तम की, फिर फोन आता है, कहानी सुनाते हैं, मेरा किरदार बताते हैं, और ये बात सच है कि इससे पहले हमें इस बारे में पता नहीं था, इससे पहले न्यूज का भी आई होगी कि 80s में कोल माइन या तीसरे कैप्सूल गिल नाम से भी आपने निकाल दिया होगा, कैप्सूल गिल ये इसी में पता चला सर। बट आई एम श्योर बिकॉज योर कैरेक्टर शेयर सच अ इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री विद अक्षय कुमार इन द मूवी, तो आपके लिए भी वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया रहेगा कि वो कैमरेडरी बिल्ड करना अक्षय के साथ ड्यूरिंग द शूट। वो तो देखिए, जिसके साथ भी आप काम कर रहे हैं ना, अक्षय के साथ जितना मैंने काम किया, जितना भी थोड़ा बहुत टाइम बिताया, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हम ऐसे दोस्त हैं एक दूसरे के घर जाते हैं या वहाँ पर सेट पे हम बड़े बैठ के बातें करते रहते हैं, ये डायरेक्टर के सेट पे तो टाइम ही नहीं मिलता है, खुद ही ये डायरेक्टर बैठता नहीं है, वो एक अलग बात है कि आई वुड से कि अक्षय मेरी ये तीसरी फिल्म है उसके साथ और तीनों एकदम रुस्तम, ओ माय गॉड टू, और ये एकदम really happy that I'm part of these important films. Okay? Yeah, they are. But at the same time, वो तो आप किसी भी एक्टर के साथ, जब को आर्टिस्ट आपका है, आपको एक टीम में हमेशा हेल्प करना। I believe in that.
यू नो मैं जैसे बोला था ये कहना कि ये इसको खा गया, खाता कोई नहीं, सबको अपना सब घर से खाना खा के आते हैं, सबको अपना किरदार करना, और जो लोग ऐसा सोचते हैं वो गलत सोचते हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ, आप अपना किरदार कीजिए उसका सही होगा तभी आपका भी स्टैंड आउट होगा, यू नो, तो वो हाँ अनकंफर्टेबल विद दैट पर्सन ऑन सेट व्हेन आई नो व्हेन देयर, हम जैसे बीच में कुछ है वो अगर पकड़ के साइड पे ले जाएगा कुछ मस्ती बता दिया, सीरियस बात भी कुछ कर रहा जो भी, और मैंने एक और चीज़, वो ऐसा आदमी है कि उनका जो स्पॉट बॉय आ जाए मेरे से पगड़ी बांधता था, मैं उसको पहले से जानता हूँ, वो उसको बोल सकता है अपने बॉस को अक्षय को स्पॉट बॉय कि सर आप गलत हो, भाई नहीं मैं आप गलत हो, अच्छा चल तू ठीक है, थोड़ी देर नहीं एक्चुअली सर सॉरी यू वर राइट, वो ये हो गया, और नहीं चल यार तू ठीक था, सो उससे आप देख लेंगे ना, या जिसका स्टाफ आपको बोलता है कि भाई हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे जिसके साथ इतने इतने सालों से, सक्सेस स्टोरी, वी आर टॉकिंग अबाउट अ हीरो ऑफ दिस कंट्री, यू नो, तो पीपल मस्ट कम एंड सी, इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी को देखनी चाहिए कि भाई हमारे इंजीनियर्स इस तरह से अपना पूरा मेहनत लगा के लोगों की जान बचाई जो अवेलेबल था उसमें, वो भी 89 के टाइम लेट 80s में, आज की दुनिया में कंपैरेटिव फैसिलिटीज सब और ज़्यादा है, हमारे देश में वैसे भी हम क्योंकि आगे आ रहे हैं अभी, उस वक्त कम रही होंगी आज और ज़्यादा है ना, तो उस कंडीशंस में भी एक बेस्ट करके दिया और एग्जाम्पल सेट किया, सो हमारा भी दायित्व बनता है एज एन ऑडियंस टू गो एंड वॉच दिस फिल्म, सपोर्ट दीज काइंड ऑफ आइडियाज सो दैट मोर स्टोरीज लाइक दिस कैन बी टोल्ड, एंड आई थिंक बहुत अच्छी फिल्म है जो 6 अक्टूबर को मिशन रानीगंज आपको देखने को मिलेगी, सब लोग जाइएगा फैमिली के साथ जाइएगा 6 तारीख, सब लोग ने सुन लिया ना ध्यान से, थैंक यू कोई मूवी के सभी दर्शकों प्लीज जाइएगा, बहुत आनंद आएगा, रिपेंट नहीं करेंगे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस,